इससे क्या फायदा होगा? बच्चों को कुछ तो कुछ खाने को मिलेगा, है ना। ये मैंने थोड़ा सा पान डाल के उसमें डाला है। क्या होता है पहले इनको दिखा दो तो, ये है क्या चीज? अरे सबको पता ही क्या होता है भाई, कई लोग ऐसे नहीं है ना, साबुत नहीं है। साबुत गाजर है, ये ऑरेंज गाजर जो खाते खरगोश। मैं इनको जब बच्चे से, मैं जब मैं छोटी सी थी, मैं जब से इसको ये बोलती थी खरगोश वाला गाजर है मैं नहीं खाऊंगी, आज मुझे खुद बच्चों को खिलाना पड़ा। तो ये ऑरेंज वाला गाजर है, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है, तो अपने बेबी को ये खिलाना जरूर है ना। इसको खिलाना कैसे, मैंने छील लिया है, वॉश कर दिया है, छील के वॉश करके और साफ पानी में, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इसके अंदर, अब इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। देखो इसके अंदर पानी है पतीले के अंदर, है ना, इसके अंदर ऐसे रख के, और इसमें बहुत जरा सा नाक के बराबर ये नमक ये डालूंगी, चुटकी भर नमक, ये रहा नमक। ये नमक मैंने टेस्ट नहीं कराना बच्चों को, इसलिए कम डाला है मैंने, किया गैस को चालू, और इसको मैं छोटी प्लेट से डालूंगी, अभी छोटे प्लेट से आ रहा है, मैं इसे रख देती हूँ, अब इसको बनने का इंतज़ार करूँगी मैं, उसके बाद में जा रही हूँ खुशूँ मैं आपको। देखो ये मैंने निकाल लिए इसके अंदर से, ये हल्का सा बॉइल्ड हो गया है, अब मैं इसको पानी की सही किस्में डालूंगी, कई के तरफ से पानी निकाल लेते बट मेरे बेबी जो है वो गाढ़ा गाढ़ा खा नहीं पाते, तो मैं इनको हल्का सा पानी में डालूंगी, और वैसे भी जो भी प्रोटीन है वो पानी के अंदर है, पानी के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब पानी के साथ ही सारा कुछ डाल देना है इसके अंदर, डाल देना, जैसे कि मैंने डाल दिया इसके अंदर, डाल दिया है, अब मैं लगा दूंगी एक अच्छा, और अब आ जाओ अंदर दिखाती हूँ कैसे करें। ये ग्राइंडर मैंने स्पेशली बेबी के लिए ही मंगवाया है, ये इसमें बच्चों का सारा कुछ आराम से पिस जाता है, दिक्कत नहीं होता, मतलब छोटा सा है। बहुत ही बेस्ट है, मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखा दिया था मैं ये कहाँ से लेके आई हूँ और कितने का है। अच्छे तरह ये हो गया ग्राइंड बहुत अच्छे से, और मैं इसको आप कटोरी में डाल के चम्मच से मैं साथ में मैंने सब्जी भी चढ़ा रखी है ना, ये बनना है भुजिया, मैंने भुजिया, ये हमारा बन चुका है, ये क्या करे भाई, सारे काम देखने पड़ते हैं इनको, घर का भी बाहर का भी बच्चों का भी, अब देखें ये इजीली सही है, ये वैसे ना ये जो चीज़ है आराम से वॉश भी हो जाता है और दिक्कत भी नहीं होता। देखिए फिलहाल थोड़ा ही निकालती हूँ क्योंकि पसंद आया नहीं पसंद आया टेस्ट, क्योंकि गौरव को तो बहुत पसंद आया ये, अब गगन को खिलाना है मुझे, गगन को मुझे देखना है ये पसंद आता ही नहीं आता, गगन और गनी का दोनों है, ये दोनों को खिलाना है, और मुझे चेक करना है कि उन्हें पसंद आता नहीं आता, अगर आएगा तो फिर मैं यहाँ से और ले बन गया वो। चलो तो मैं एक छोटा सा स्पून ले लेती हूँ, और गर्म है ये, मेरे बच्चों को ठंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ठंडा नहीं खाते हैं, हल्का गर्म ही खाते हैं। ये देखो हम जिस भी रूम में रहते हैं हम रूम की तरफ फैला के रखते हैं, हम फैला के रखते हैं, बच्चे फैला के रखते हैं, राइस बनाने के लिए पहले मैंने राइस ले लिया, इसमें इसको मैं हल्का सा ग्राइंड कर लूंगी, है ना, उसके बाद मैं इसको वॉश करके फिर मैं इसको राइस बनाऊंगी। आप देखो
बीते कितना ग्रहण हुआ है, इतना कि बेबी इजली खा ले। थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। छोटे वाले में उसका क्या करोगे? बनाऊंगी बच्चों के लिए। चावल है ना? हो गया पाउडर चावल। पाउडर नहीं है, साबुत है। मतलब थोड़ा पाउडर हल्का पाउडर बना दिया। इसे ये होगा कि बच्चे जो हैं आराम से खा लेंगे इसे। इनके गले में अटकेगा नहीं, क्योंकि बच्चों को कुछ साबुत साबुत दो तो खाने देते हैं। पानी और इसको रख देंगे गैस पे। और ये चावल था, मैंने इसको अच्छे से पहले मैंने साफ कर लिया था कि इसके अंदर कोई गंद तो नहीं है। मैंने इसे बिल्कुल जो भी कचरा था सब कुछ निकाल दिया कि कुछ भी ना आए इसके बीच में। और उसके बाद फिर मैं इसको पानी से धो लूँगी एक बार। ये है डाइट मेरी बेबी का। मैं मतलब आप सब कुछ दे सकते हैं। मैं दाल भी बना के देती हूँ बच्चों को, और पपीता देती हूँ, और कितने दे रखा है, पम्पकिन भी दे चुकी हूँ। मतलब मैं हर एक फ्रूट, आप ब्रोकली दे सकते हो, ब्रोकली को अच्छे वो अच्छे से बॉईल करके, ब्रोकली हो गया, बीन्स हो गया, मतलब हर एक चीज़ दो। बट उसमें नमक की क्वान्टिटी नहीं डालनी। अगर आप मतलब उसको बॉइल की इतनी सी नमक डालो चुटकी भर, बच्चों को स्वाद नहीं आना चाहिए नमक का, है ना। और जरा सी चुटकी भर हल्दी डाल दो बस, और वो बेबी को बिल्कुल मैश करके खिलाओ। बेबी को अगर मोटा मोटा मुंह में आएगा गले में आएगा तो बेबी बिल्कुल नहीं खाएगा, है ना। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो भी चीज़ खिलाए वो मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। देखो गाइस, ये राइस ये बन चुका है। ये ऐसा बनेगा राइस। आप ये बेबी को इजीली खिलाएंगे तो बेबी खा लेगा। ऐसे जरा जरा से थोड़ी 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 ऐसे करके खिलाएं। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा और थोड़ा गीला गीला सा बने, है ना। तो अब मैं इसको निकाल के अपने ठंडा करके बेबी को खिलाऊंगी। तो यह आपको रेसिपी पता लग गई है कि मैं क्या क्या खिलाती हूँ। तो आई होप आपको पता लग चुका होगा कि मैं अपने बेबी को और क्या क्या, अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं और क्या क्या देती हूँ। तो इसके अलावा भी मैं बेबी को और बहुत कुछ देती हूँ। मखाना भी देती हूँ। मखाना भी मैं पहले मिक्सी में ग्राइंड करके उसके बाद फिर उसको उबाल के फिर उसको खिलाती हूँ। मतलब हर एक रेसिपी में, सपोज जैसे ब्रोकली हो गया तो ब्रोकली को भी मैं इस तरीके से पहले उसको अच्छे से बहुत बारीक कर लेती हूँ, उसके बाद उसको उबाल लेती हूँ, फिर उसको बेबी को खिला देती हूँ। तो इसी तरीके से आपको सब कुछ खिलाना है। और बात रही बीबी को पानी वानी पिलाने की, तो थोड़े 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 देर में पानी वानी उसको पिलाते रहें। कुछ खिलाने के बाद थोड़ा पानी पिला दिया, फिर थोड़े बाद फिर थोड़ा पानी पिला दिया। तो ऐसे ऐसे करके आप बीबी को पानी वानी पिलाते रहें, है ना। तो ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। आपको पता लग चुका है कि मैं अपनी बीबी को क्या क्या खिलाती हूँ, और आपको रेसिपी भी मैंने बता दी है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इंतज़ार करें मेरे नेक्स्ट ब्लॉग आने का। बाय बाय।